नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र में एक अनोखे मामले का खुलासा किया है, जहां एक पिता की शिकायत पर उसी के पुत्र को लूट के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सदर डीएसपी वन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना के उद्भेदन की जानकारी दी। दीपनगर थाना क्षेत्र के सर्वोदय नगर निवासी शिवशंकर पांडे के द्वारा 22 अक्टूबर की शाम सूचना दी गई कि अपने बेटे को घर में छोड़कर वह निजी विद्यालय में पढ़ाने चले गए थे। वापस आने पर उनके पुत्र द्वारा बताया गया कि चार व्यक्ति द्वारा घर का दरवाजा तोड़कर उसको बंधक बना लिया गया एवं अलमीरा में रखे 1,06,000 नकद और कुछ गहने लूट लिए गए। पटना की जानकारी मिलने के उपरांत पुलिस के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, जहां देखा गया कि कटर से अलमारी के लॉकर को काटा गया है। प्रारंभिक पूछताछ में वादी के द्वारा बताया गया कि उनकी बहू के साथ कई केस मुकदमा चल रहा है, बार बार उन्हें जान से मारने एवं सारा पैसा गहना लुटवा देने की धमकी देती है। पूछताछ के क्रम में पिता एवं पुत्र के बयान में भिन्नता होने तथा संदेह की स्थिति में कड़ाई से पूछताछ की गई, जिसके बाद पुत्र के द्वारा अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस घटना की साजिश रचने की बात को स्वीकारा गया। शिवशंकर पांडे के बेटे ने बताया कि आईफोन खरीदना चाह रहा था। इस योजना के तहत उसने घर के ताले को नकली चाबी बनवाई थी तथा दोस्तों के साथ मिलकर कटर से अलमीरा काटकर उसमें रखे रुपए एवं अन्य सामग्री लुटवा दिया तथा स्वयं को बंधक बनाए जाने की बात अपने पिता को कही। वादी के पुत्र से पूछताछ के आधार पर घटना में संयुक्त उसके तीन दोस्तों को पकड़ा गया तथा रुपया एवं अन्य सामग्री को बरामद कर लिया गया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। छापेमारी टीम में दीपनगर थाना अध्यक्ष रंजीत राम समेत सशस्त्र पुलिस बल शामिल रही। थरथरी थाना क्षेत्र के श्रीनगर निवासी अभिनेश सिंह के पुत्र सत्यम कुमार को गिरफ्तार किया गया है, जो वर्तमान में नालंदा कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहे थे, BCA का कोर्स कर रहे थे। हम लोगों को एक सर्वोदय नगर निवासी है दीपनगर थाना अंतर्गत शिवशंकर पांडे जी, उनके द्वारा सूचना दी गई थी कि वो जो अपने घर में 15-16 वर्षीय जो बच्चा है उसको बंद करके जाते हैं स्कूल, और जब स्कूल से आए तो बच्चा बताया कि उसको बंधक बना के उनके घर में लूटपाट की गई है। तो हम लोगों ने घटनास्थल का जब निरीक्षण किया तो पाया कि एक अलमीरा में जो है कटर के माध्यम से कट करके उसमें से लूटपाट की गई है। जो उनके द्वारा बताया गया वो यह था कि उनको अपने पतोहू से पिछले 8-10 साल से केस मुकदमा चल रहा है और उसी को संदिग्ध बनाकर वो सारी बातें बता रहे थे। फिर हम लोगों ने गहराई से छानबीन की और पूछताछ की तो पिता और पुत्र के बयान में काफ़ी भिन्नता पाई गई। तब पुत्र से कड़ाई से पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि वो आईफोन खरीदना चाह रहा था और इसी के चलते उसने अपने मित्रों के साथ मिलकर यह साजिश रची थी, पिछले कुछ दिनों से प्लानिंग कर रहा था। उसी के तहत उसने घर का नकली ताला का चाबी भी बनवाया था, अपने दोस्तों को दे दिया गया और उनके दोस्तों द्वारा उस ताला खोल के और उसकी मदद से यह घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें हम लोगों ने चार लोगों को पकड़ा है, जिसमें से वादी का नाबालिग पुत्र भी है, और तीन लोग पकड़े गए हैं जिसमें एक सत्यम है यह मुख्य आरोपी है। देख रहे होंगे कटर ला करके और कटर से अलमीरा काट कर उसके बाद ये लूटपाट की गई थी और काफ़ी मात्रा में जो सोने एवं चांदी के गहने थे वो बरामद किए गए हैं और साथ में वादी के द्वारा 1,06,000 रुपये जाने की बात की गई थी, तो उससे पूरी रकम जो है वो बरामद की गई है। इस तरह से जो वादी के पुत्र द्वारा यह साजिश रचकर घर में डकैती या लूट की घटना की बात बताई गई थी उसका पूर्णतः पर्दाफाश हो गया है। इसमें सिर्फ एक अभियुक्त की गिरफ्तारी शेष रह गई है। कुल कितने की? कुल कितने?